नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया। और आज हम बात करने वाले हैं, महान बनने के लिए महान कार्य करने पड़ते हैं। याद रखिए, महान बनने, हर इंसान महान बनना चाहता है, हर एक के अंदर महानता के गुण है, हर इंसान के वो अंदर वो सर्किट है जिस सर्किट के वजह से वो और महान बन सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि उन्होंने अपने छोटे छोटे कामों में अपने आप को अटका के रखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों में वो स्पायरल तरीके से अपने आप को चूहे की रेड रेस की तरह उसने अपने आप को अटका के रखा हुआ है। जिस दिन आप अपने मानसिकता को खोल देते हैं, जिस दिन अपने माइंड को ओपन कर देते हैं, जिस दिन आप अपने अभिव्यक्ति को ओपन करते हैं, याद रखिए उस दिन आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। उस दिन आप सचमुच में तरक्की करना शुरू करते हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि महान बनने के लिए महान काम करने पड़ते हैं, लेकिन महान काम क्या है? अब ये सवाल आता है कि महान कार्य क्या है? तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर काम महान है, हर कार्य। अगर आप बागबानी भी कर रहे हैं तो वो भी महान है, अगर आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं तो भी कार्य महान है, हर कार्य महान है। लेकिन हम सोचते हैं कि महान बनने के लिए महान कार्य करने पड़ते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हर कार्य को जब आप महानता की नज़र से करने लगोगे, महानता के हिसाब से करने लगोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सचमुच में आप महानता की ओर बढ़ने लगेंगे। छोटे छोटे चीज़ से अपने आप को बचा के रखिएगा और महानता की ओर बढ़िए। आप जो काम कर रहे हैं उसी काम में महानता के लक्षण छुपे हुए हैं। बस महानता की नज़रिए से, महानता के चश्मे से उसको अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर सचमुच में महानता है। महानता की बीज आपके अंदर है। हम सब प्रिंस बन के पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे संस्कार ने, हमारे विचारों ने, घटिया संस्कारों ने हमें क्या कर दिया, मान्यताओं ने हमें क्या कर दिया है, हमें मेढक बना दिया है। तो हर इंसान में महानता के गुण छुपे हुए हैं, हर इंसान में महानता के गुण छुपे हैं। बस अपने महानता को बाहर निकालिए और ये दुनिया को, इस संसार को देखिए, फिर देखिए संसार कैसे आपको सल्यूट करता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, मन की गहराइयों से आपका धन्यवाद।